देखिए फ्रेंड्स, आज बनाई है मैंने ये उपवास की नमकीन। कितनी बढ़िया बनी है। एक चम्मच घी में बनाई है मैंने ये नमकीन, तो अभी से एक बारी ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नमकीन। ये मोटे वाला साबूदाना मैंने नमकीन बनाने के लिए रखा है। और अक्सर हम लोग नमकीन बनाते हैं तो तलते हैं हम साबूदाने को, लेकिन मैं इसमें साबूदाने को तल नहीं रही हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा एक चम्मच घी डाला है इसमें और मैं इसको भून रही हूँ। ये इसी से फूल जाएंगे हमारे भूनने से। आपको दिखने लगे होंगे कुछ कुछ दाने सफ़ेद पड़ने लगे हैं। ये पॉपकॉर्न की तरह पॉपअप तो नहीं होंगे, लेकिन अच्छे से फूल जाएंगे। जैसे हम तल के फुलाते हैं उसी तरह से ये फूल जाएंगे। ये देखिए, हमारा साबूदाना हमने तला नहीं है, थोड़े से घी में ही हमने ये भुना है। ये देखिए, सब बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं हमारे साबूदाने। ये देखिए, जो थोड़े से और रह बीच में रह गए हैं उन्हें हम और भून लेते हैं। ये हम व्रत की नमकीन बना रहे हैं। साबूदाना तो हम व्रत में खाते ही हैं। ये सारे 10 साबूदाने हमारे अच्छे से फूल गए हैं। और हम तलते हैं, बहुत सारा तेल जाता है, इसे हमने एक चम्मच तेल था पैन में, उसी में हमने उनको थोड़ा सा टाइम उससे ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ये हमें रोस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन चिकनाई हमारी खाने के लिए बहुत कम हो जाती है। ये देखिए हमारा साबूदाना, देखिए बिल्कुल सूखा है, थोड़ा सा घी था, मैंने उसी में इनको भून लिया। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और हम अपने बाकी चीज़ें भी इसी तरह से थोड़ा घी डाल के ही उसमें रोस्ट करेंगे। कितने अच्छे से हमारे साबूदाने, देखिए आपको आवाज़ दे आ रही होगी, बिल्कुल करारी हो गए हैं हमारे, जैसे होने चाहिए। हम इसको बहुत सारे तेल में तलते हैं, उससे अच्छा है कि हम इस तरह से थोड़ा सा घी या तेल जो भी हम डालें और इसको इस तरह से भून लें। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। कितने बढ़िया से हमारे साबूदाने फूल गए हैं सारे। और अब मैं इसमें इसी तरह से थोड़ी सी मूंगफली भी हम व्रत में खा लेते हैं, थोड़ी मैं मूंगफली डालूंगी इसमें। इसको भी हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। मूंगफली आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, मैं तो सब चीज अंदाजे से ही डाल रही हूँ। 9 दिन तक खानी है तो हम ये हमारी मूँगफली अब अधभुनी हो गई है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें ये बादाम डाल दूँगी, इनको भी इसके साथ हम भून लेंगे, क्योंकि मूँगफली ज़्यादा टाइम लेती हैं, बादाम थोड़ा कम टाइम लेते हैं इसलिए। देखिए हमारे बादाम भी, मूँगफली और बादाम काफ़ी भून गए हैं। अब मैं इसमें थोड़े से डालूँगी ये काजू, इनको भी हम भून लेंगे सब चीज़ों को मिला के। थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं जिससे कि ये काजू को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे बाद में काजू डाले हैं। और साबूदाने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, देर लगती है भूनने में, इसलिए मैंने उसको पहले से भूना। देखिए मैंने ज़रा सा तेल घी डाला है, एक टीस्पून घी भी नहीं डाला, और देखिए कितने चिकने हो गए। ये देखिए, तो हम क्यों ज़्यादा घी डाल के तलें, थोड़ी सी हल्की आंच पे थोड़ी टाइम ये लग जाता है भूनने के लिए। ये देखिए हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट भून गए हैं, खूब अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी, खूब करारे हो गए हैं देखिए। और मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें घी डाला है। और ये देखिए अब मैं इसमें
ये जो हमने साबूदाना भुना था इसको डाल देंगे। देखिए बिल्कुल भी बर्तन चिकना नहीं है, इतना कम मैंने इसमें। और अब हम इसमें मसाला मिला लेंगे, क्योंकि ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसमें हम ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे। ये मैं डालूंगी व्रत वाला नमक, काली मिर्च और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी पिसी चीनी या बूरा भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ, उससे खट्टा मीठा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए हमारी कम तेल में कितनी अच्छी नमकीन तैयार हुई है, आपको दिख रहा होगा इसमें बिल्कुल नहीं, तो बहुत तेल हो जाता है, खाई भी नहीं जाती। कितने कम तेल में हमारी ये नमकीन तैयार होती है। मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम, अगर आप व्रत में लाल मिर्ची खाते हैं वो डाल सकते हैं, चाट मसाला खाते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग चाट मसाला नहीं खाते व्रत में, तो मैं उसमें केवल काली मिर्च, नमक और थोड़ी से अमचूर पाउडर डाला है। और इसमें बूरा भी मिला सकते हैं हम, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा इसका टेस्ट। पर मैंने एक ऐसे ही कर लिया है, देखिए। और अगर आपको लग रहा है मसाले ठीक से नहीं मिले तो आप इसमें थोड़ा सा घी, तेल जिसमें भी आपने बनाई है वो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, इस तरह से गरम गरम में ही डालें। पर अपने मसाले कम लग रहे हैं तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरी नमकीन बनके तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी नमकीन तैयार हुई है हमारे थोड़े से घी में। देखिए अब हमारी नमकीन ये तैयार हो गई है, कितनी अच्छे से बनी है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। और हमने इसमें 1.5 चम्मच घी से ही हमने अपनी सारी नमकीन बना ली है, देखिए कितने अच्छे से बनी है। ये उपवास में हम बड़े आराम से खा सकते हैं, साफ शुद्ध अपने घर की बनी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, हम घर में अपनी अच्छे से चीज़ें साफ सुथरी करके और साफ हाथों से सब बना सकते हैं, और जो मन चाहे मसाले मिला सकते हैं। बाजार से लाते हैं तो उसमें मसाले तेज़ भी होते हैं, मीठी भी होती है, कईयों को खट्टा मीठा टेस्ट पसंद नहीं होता, जैसे मैं हूँ, मुझे खट्टा मीठा टेस्ट पसंद नहीं आता तो मैं वो बाजार की नहीं खा पाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी नमकीन, होप आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, और एक बार ही बना के रख लीजिए, पूरे नवरात्र के व्रत आराम से आपके निकल जाएंगे, आपको बाजार से ला कर नहीं खानी पड़ेगी नमकीन। और चाहें तो आप, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला है व्रत की नमकीन का, उसमें मैंने आलू के लच्छे से नमकीन बनाई है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई की तो आपकी कैसी बनी, और आप किस और तरह से बनाते हैं, जो मैं भी उसे वैसे बनाने की ट्राई करूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।